वेलकम टू रूपीज किचन। आज रूपीज किचन में हम एक अनोखी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। अनोखी ये इसलिए है क्योंकि ये सेमल के फूलों से बनती है और सेमल का पेड़ ऐसा दिखता है जिसमें ये फूल लगे हुए हैं, इसकी हम सब्जी बनाएंगे। ये रहे सेमल के फूल। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम ये पूरे फूल की सब्जी नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसकी सब्जी बनती है। तो इसके अचार भी डलता है, कुछ लोग इसका अचार भी डालते हैं। तो हमें इस तरीके से इसको सेपरेट कर देना है, सारे फूलों को अलग करना है और इसके नीचे वाले पार्ट की सब्जी बनाएंगे। और इस सब्जी का टेस्ट जो है मशरूम की जैसे होता है, पर मशरूम से ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसे हम इस तरीके से पतला पतला कट कर लेंगे और फिर बॉईल करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से कट कर लिया है, अब इसे बॉईल करेंगे और हल्का सा इसमें नमक डालेंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई, अब डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा डालनी है, जितने ज़्यादा तेल में ये पकती है सब्जी उतनी टेस्टी होती है। तेल गर्म हो गया है तो 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे इसमें। तो हल्का सा जीरा को ब्राउन होने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच करीब इधर वाले तेल। हल्का सा जिंजर गार्लिक को ब्राउन होने के बाद अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब डलेगा इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को अच्छे से पकाएंगे। तो टमाटर अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें डालेंगे हम मसाले। इसमें डलेगा 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हल्का सा इसमें नमक डलेगा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। हल्का सा पानी डलेगा, थोड़ी देर पकने देंगे अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से इसे हमें बॉईल करना है जब तक ये पक ना जाए। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल में हम इसे पका लेते हैं। अब मसाले में हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कल लगा लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसे धीमी आंच में मसालों के साथ पकने देंगे। 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। वाह, ये देखिए कितनी लाजवाब दिख रही है सब्जी। बस ये रेडी हो गई है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है सेमल के फूलों की। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर से मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।